एंड गाइस जस्ट लुक एट द चीज द कलर। हाय गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। स्वागत है आपका कल्पना भूमि व्लॉग्स में। तो आइए आज का दिन एक बढ़िया से तड़कते भड़कते व्लॉग से शुरू करते हैं। सो आज एक कुकिंग व्लॉग तो होने वाला है, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ये होगा कि मैं बनाने के बाद घर के सारे सदस्यों को खिलाऊंगी। और हर बार मैं रिव्यू देती थी तो आप लोग सोच सकते होगे कि यू नो ये खुद के खाने को खुद ही टेस्टी बता दे रही है, इतना अच्छा नहीं बना हुआ। लेकिन आज आप खुद ही घर वालों के मुंह से सुन लेना कि मेरे हाथ में है जादू। ठीक है, तो आज मैं बनाने वाली हूँ चीज टोस्ट। लास्ट टाइम मैंने बनाया था ब्रेड पिज्जा, ठीक है, विच वॉज डिफरेंट, एंड दिस टाइम आई विल बी मेकिंग चीज टोस्ट। तो ये ब्रेड टोस्ट की तरह होगा। सो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। उसके लिए मैंने सब्जियां वगैरह सारी प्रिपेयर कर ली है, मतलब क्या क्या कर दिया वो मैं आपको दिखा देती हूँ, और मिलते हैं आपको चीज टोस्ट के साथ। आई जस्ट लव डिशेज विद चीज, चीज इज माई फेवरेट, मतलब मुझे हर चीज में चीज पसंद है। फ्राइज चीज के साथ, ब्रेड चीज के साथ, पिज्जा चीज के साथ, मेरे मुंह में पानी आ गया बोलते बोलते। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट फर्दर अडू। तो सबसे पहले हम लोग प्याज को चॉप कर लेंगे। सब्जियां मेरी पतला पतला ग्राइंड हो गई हैं। सी ये रहा प्याज, गोरी शिमला मिर्ची। नहीं, सबसे पहले हम इस पैन में डाल देंगे हमारा वेजिटेबल ऑयल। उसके बाद सबसे पहले हम लोग प्याज को सॉटे करेंगे, इसको अच्छी से भूनना है गोल्डन होने तक। और उसके बाद शिमला मिर्ची को भी सेम थोड़ा सा पका लेंगे और ऊपर से डालेंगे कॉर्न, बिकॉज आई जस्ट लव कॉर्न। फिर सारे मिक्सचर को हम लोग थोड़ा सा 50-60% तक कुक करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग डालेंगे इसमें टोमेटो सॉस, पास्ता सॉस और चिली सॉस, एंड थोड़ा सा हमारा ग्रीन चिली सॉस बस। ऑल्सो हम इसमें डालेंगे हमारा टोमेटो सॉस, क्योंकि इससे वो खट्टा खट्टा मीठा मीठा टेस्ट आएगा। सो अब सारी सब्जियों को हम लोग मिक्स करेंगे, एंड जस्ट लुक एट दिस गाइस, कितना प्यारा कलर आ रहा है। एंड ट्रस्ट मी, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। आपको पता है ये पिज्जा और पास्ता सॉस की वजह से ना। मेरे पास तीन मसाले भी हैं जो मैंने लाइन से लेकर आई थी, चीजी गार्लिक ब्रेड मिक्स, ये है आपका पिज्जा मसाला, आई थिंक दिस इज ओरिगेनो, एंड दिस इज पेरी पेरी। ठीक है, चिली फ्लेक्स में इसलिए लेकर आए क्योंकि हम पहाड़ियों के पास बूटी घुसान होती है, राइट, तो उसको बिना बूटे उसको मिक्सी में पीस दो, बन गया चिली फ्लेक्स ऑर्गेनिक। ठीक है, मेरे को लिटरली पता है वो पिज्जा वाली खुशबू आ रही है, जो हम रेस्टोरेंट में पिज्जा नहीं खाते हैं, सेम वैसे खुशबू आ रही है, बाप रे। और दिखने में देखिए गाइस, आहा। सो सी अब हमारा पूरा मिक्सचर तैयार हो गया। तो सबसे पहले हम लोग ब्रेड में ये देखिए ऐसे मेयोनीज लगाएंगे, ये देखिए। अब टॉपिंग बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी है गाइस, ठीक है ना, क्योंकि असली मजा है इसका, बाकी जो नीचे गिरेगा थाली में अपने आप गिरता है। उसके बाद हम लोग ब्रेड में डालेंगे चीज, और चीज को अच्छी से स्प्रेड करना है, पूरा का पूरा यू नो कॉर्नर्स भर जाने चाहिए, सो दैट यू नो चीज का अच्छा सा टेस्ट आए। तो ये हमारे सारे ब्रेड में मैंने टॉपिंग्स रख दिए हैं, उसके अलावा चीज से सारा भर दिया है। सो ब्रेड में हमारे टॉपिंग्स और चीज डल गया है, अब दूसरे ब्रेड से हम लोग इसको कवर कर देंगे। गाइज जस्ट सी द क्रस्ट, कितना प्यारा कलर आया है, ठीक है, और ये देखिए क्रंचीनेस, नाइस। तो हमारा एक साइड सिक गया, दूसरा साइड मैंने सेकने के रख दिया है, तो ऐसा ही फाइनली बनके तैयार हुआ है, गोल्डन गोल्डन क्रिस्पी। सो देखिए हमारे चीज टोस्ट तैयार हो गए हैं, अब एक बार इनको टेस्ट करती हूँ मैं। गाइस जस्ट लुक एट द चीज, गरम हो रहा है, हाँ घर में 300-400 रुपए दोगे मैं बना दू, चलो ऑनेस्टली बनाओगे, मुझे वाकई में लग रहा है की बाहर जाके पैसा वेस्ट करना है इसको, यू नो पिज्जा में उससे थोड़ा बहुत सामान घर लेके आइए और सब घर में बना के खा सकते हैं, बिकॉज़ सेम पिज्जा का टेस्ट आ रहा है सेम। सो चलिए एक बार पापा से पूछते हैं कैसा बना है। पापा एक बाइट लो और बताओ कैसा बनाया है। बहुत अच्छा बनाया है, हाँ बहुत बढ़िया अच्छा बना है। डोमिनोज से ज्यादा अच्छा बना है या डोमिनोज से ज्यादा अच्छा होता है? डबल डोमिनोज। थैंक यू। सो गाइज मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज तैयार करी है, ये बन जो आते हैं ना मीठे वाले, इसको मैंने पहले अंदर से खोखला किया, उसके अंदर मैंने इसमें डाला है जो हमारी वो पिज्जा वाली फिलिंग थी, थोड़ा चीज, इसको आप कुल्हड़ पिज्जा भी बोल सकते हैं। तो बस मैं ये ट्रायल करना चाहती थी कैसा होता है, अब इसको ऐसे रख देंगे। सो देखिए मेरा कुल्हड़ पिज्जा तैयार हो गया है, इसमें चीज अंदर बहुत ज्यादा गाइज, आपको लग रहा होगा ना बाहर कम है, ये देखो वो नाइस। क्या बात है,
इसमें डिफरेंस पता क्या है, इसका ब्रेड थोड़ा मोटा और क्रिस्पी है, यू नो इसका पतला होता है क्योंकि। बहुत सही यार, मजा आ गया कल ना बनाया तो मैंने। तो पापा से रिव्यू लेने के बाद एक बार मम्मी से रिव्यू लेते हैं। मम्मी पहले एक बाइट खाकर दिखाओ और हम लोग को चिढ़ाओ खाकर, और उसके बाद बताना कैसा हो रहा है। तुमको क्या चिढ़ाए भाई, बहुत ही अच्छा हो रहा है। खाओ ना पहले। खा लिया मम्मी। कैसा हो रहा है? तुम बाहर से खाली मंगाते हो। हाँ चलो घर में बना के खा लिया करो। अच्छा इतना अच्छा हो रहा है क्या बाहर जितना? सस्ता भी पड़ता है। हाँ। और अपना नहीं सस्ता, ठीक है टेस्ट की बात हो रही है, बाहर टेस्ट मिलता है ना इसलिए हम लोग बाहर जाते हैं। बाहर से अच्छा टेस्ट है सही में। देखो मैं, आपने डोमिनोज का भी खाया है करेक्ट हमारे साथ, तो ये डोमिनोज से ज्यादा अच्छा हो रहा है पिज्जा ब्रेड या उससे कम? डोमिनोज फेल है। सही में क्या? 10 में से कितने नंबर? 11। क्या बात है, नाइस। खाओ। सो चलिए एक बार सुमित शंभू से रिव्यू लेते हैं। इसका रिव्यू सबसे ज्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये यूजुअली इतना ज्यादा ऐसा बाहर का चीजें नहीं खाता है। गर्म हो रहा है, आराम से खा। अंदर की बाइट ले चीज की, तूने भी मसाला नहीं खाया। पहले खा ले, तेरा मुंह गर्म हो रखा है, आराम से खा ले फिर बोलना उसके। खाकर सब डोमिनोज का पिज्जा फेल हो। सही में क्या? इतना अच्छा बना है ये तो, और बढ़िया हुआ। वो तो खाली वही बात। हाँ मोटा मोटा मैदा और वो बढ़िया हुआ। हाँ और घर में ही बनाए। अब उनका क्या, कितना पुराना सामान है, क्या है, हर चीज ताजी है, हाथों हाथ बनाए, हाथों हाथ खा लिया। बहुत बढ़िया रहा। सही में क्या? एक नंबर। हाँ 10, एक नंबर में ऐसे हो रहा। अब 10 में से कितने नंबर? 11। सही में क्या? क्या बात है। तो मतलब मुझे ये डिश तेरे इजा बौजू अम्मा इन सबको खिलानी चाहिए, पसंद आएगी? ले जाना पड़ेगा सामान। वो तो हम ले जाएंगे, ले आएंगे। उनको पसंद आएगा? मतलब तुझे क्या लगता है पसंद आएगा? पागल है क्या? पिज्जा 100 रुपए का तो छोटा सा इतना, वरना 300-400 से नीचे का पिज्जा नहीं होता। 50-60 रुपए का ब्रेड। हाँ थोड़ा बहुत मतलब ये लगा ले, 300 रुपए का सामान हुआ और 6 लोग खा रहे हैं और भरपेट भरपेट क्या पेट लगे। क्या बात है, नाइस काका। तो चलिए गाइस, आज का ये था मेरा कुकिंग ब्लॉग, चीज टोस्ट मैंने बनाया था। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग प्लीज कमेंट करके बताना, ठीक है? बाकी कल मुलाकात होगी एक बड़े से नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपने ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। बाय गाइस, टेक केयर, चीयर्स।